अच्छा जी जैद भाई, मैं ये पूछ रहा था कि आजकल आपने देखा ही होगा कि मतलब आप जैसे बच्चों को मोबाइल देते हैं तो वो आपकी गैलरी के अंदर या कहीं ना कहीं वो ना वो घुस जाता है, ठीक है ना। मतलब आजकल बच्चे आपको पता है कितने मतलब ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं कि वो मतलब कुछ ना कुछ आपका खोल के आपके सामने आ जाएंगे, मतलब बोलेंगे कि भाई ये जो हमें गेम्स खेलने हैं वो गेम्स में घुस जाएंगे, आपके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर देंगे। पर्सनल चीजों में जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसी कोई ऐप हमारे पास मौजूद है जिससे ये हो कि हम जो है वो अपने फ़ोन को मतलब उनको दे दें बट उनके फ़ोन जो है वो टच ना हो, ठीक है। दूसरा मेरे जहन में ये आ रहा था कि यार हमारा जो फ़ोन है उसमें आइकन्स आपने देखे हैं वो डिफ़ॉल्ट आइकन होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो कंपनी उनको डाल के देती है उसी कंपनी का आइकन बना हुआ होता है और वो चेंज भी नहीं होता। तो ऐसी कोई ऐप बताएं जिससे ये हो कि हमारे फ़ोन के आइकन स्टाइलिश हो जाएं, आइकन चेंज हो जाएं, वायरल हो, ठीक है, मतलब जो ट्रेंडिंग आइकन्स हो। और तीसरी चीज़ मेरे जहन में जो आई थी वो ये थी कि जो है वो गेमिंग के लिए मुझे मैं पूछना था आपसे कि गेमिंग के लिए कुछ ऐसा है कि हम मोबाइल के ऊपर कोई एक ऐसी ऐप इंस्टॉल करें कि जिससे गेमिंग भी परफॉर्म हो सके हमारी। तो बच्चों के हवाले से भी कह रहा था कि उनको भी गेमिंग का शौक होता है। तो इस असलामुअलैकुम। तो आपने बेहतरीन चीज़ें मुझे पूछी। इस तरह मैंने कुछ आपको यूज़फुल वेबसाइट बताई थी, जिसी हवाले से आज मैं आपको कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस बता रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकती है और आपका जो सवाल है वो पूरा हो सकता है। जिस तरीके से आपका आज का पहला सवाल था कि क्या कहते हैं, मुझे यार वो एप्लीकेशन बताओ जिससे अगर मैं अपने बच्चे को मोबाइल दूँ तो वो मेरी कोई पर्सनल चीज़ों में ना घूम जाए, ठीक है ना। पर्सनल चीज़ों से मुराद ये होती है कि बच्चे अगर उस चीज़ों में चले जाते हैं तो वो चीज़ें आपकी मिसप्लेस हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपकी ऑफिस या काम की चीज़ें हैं तो बिल्कुल एक एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पे, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, MBs में मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसका नाम है डिसेबल टच। कुछ लोगों को पता भी होगा इसका नाम, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कुछ लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि हम बच्चों को मोबाइल इसी वजह से नहीं देते कि वो दूसरी चीज़ों में ना चले जाए, तो डिसेबल टच के नाम से मैं आपको इसका इंटरफेस भी खोल के दिखाऊंगा, एप्लीकेशन का आइकन भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप उस ताकि उसी एप्लीकेशन पे आप जाएं उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। तो डिसेबल टच के नाम से एक एप्लीकेशन है, अगर आप उसकी सेटिंग में जाके उसको इनेबल कर लेंगे तो बच्चे आपकी दूसरी चीज़ों में जाके नहीं घुस सकते, ठीक है ना। जो आपने उनको ओपन करके दिया है वही चलेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या कहते हैं, वासिफ ने मुझसे पूछी कि यार क्या कहते हैं, मुझे आइकन्स चेंज करने, कस्टमाइज करने हैं, कि मैं डिफॉल्टर आइकन्स आ रहे होते हैं जो हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और सालों से वही आ रहे होते हैं जिनको देख देख के हम बोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके की एक एप्लीकेशन बहुत मौजूद है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, मैंने कहा अपने फॉलोअर्स से मैं क्या कहते हैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, ये भी बिल्कुल फ्री MBs में मिल जाएगी आपको, उस एप्लीकेशन का नाम है वायरल आइकन पैक के नाम से। इसके अंदर अच्छा, एक तो आप इसको अपने आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरीके का लुक आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का कलर आप चाह रहे हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपको 200 से ज्यादा HD वॉलपेपर्स भी मिल सकते हैं आपको, HD वॉलपेपर्स, ठीक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन आज की ये थी। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन आज की वीडियो की, जिस तरीके से आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने वेबसाइट आपको एक बताई थी जिसमें बच्चे गेमिंग जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े से बड़ा गेम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। तो इसी तरीके से मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूँ मोबाइल में भी, जहाँ पे बच्चे आराम से गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं और गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। इस एप्लीकेशन का नाम है ओपेरा GX गेमिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको आइकन इसका इंटरफेस दिखाता हूँ मोबाइल पे। चलें जी, मैं आपको उसका आइकन दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैंने अभी आपको गेम्स के बारे में बताया, एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो आज की जो पहली एप्लीकेशन थी हमारी, तो उसके पास चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ ओपेरा GX गेमिंग के नाम से। ये आपके सामने पहले ही आ गई है, ठीक है ना। ये आपको इसी आइकन पे जाना है एग्जैक्ट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी इस पे एप्लीकेशन बनी हुई है गेमिंग के हवाले से। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस, सारी चीज़ आपको नज़र आ रही हैं। आपको एग्जैक्ट इसी के आइकन पे जाना है, ठीक है, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम 11 MB की मैंने आपको बताया, इसका आपको कोई भी गेम मिल सकता है जिसको आप आराम से क्या कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पेड नहीं होगा, फ्री होगा, ठीक है ना। ये पहली एप्लीकेशन थी। सेकेंड एप्लीकेशन थी हमारी आइकन के हवाले से, तो उसका नाम है वायरल आइकन पैक के नाम से, ठीक है ना। तो वायरल आइकन पैक पे चलेंगे। अच्छा, वायरल आइकन पैक पे चलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्या कहते हैं एप्लीकेशन रेडी हैं, बनी हुई है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ ये वो है वायरल आइकन पैक। आपके सामने देख रहे होंगे ये बहुत सारे आइकन बने हुए आ रहे हैं, एनिमेशन स्टाइल में भी आ रहे हैं, कार्टून स्टाइल में भी आ रहे हैं, जिस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे आइकन हैं जिसको आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अपने भी आते हैं बने हुए जिसको आप सेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया HD वॉलपेपर्स भी आपको आराम से मिल सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी इसकी कुछ ज़्यादा MB नहीं है, 89 MB में आपको ये सारी चीज़ें प्लस वॉलपेपर भी मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारी थी, अच्छा, और लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं जो सबसे क्या कहते हैं काम की है, डिसेबल टच के नाम से, ठीक है। आपके सामने ही मौजूद है, ठीक
ठीक है, ये आप देख लें, इसी आइकन पे आप जाइएगा, मैक्सिमम 3.6 MB की आपको मिल जाएगी, बहुत कम इसकी स्टोरेज है आराम से, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये बेकार एप्लीकेशन है, क्यों इनको डाउनलोड करें, आपको पता है स्टोरेज का वैसे ही मसला है, लेकिन आप आराम से बच्चों के पहुंच से दूर रख सकते हैं दूसरी चीज़ों को, ठीक है। तो ये डिसेबल टच पे आप जाएंगे, 3.6 में मिलेगी, ये आइकन आप देख लीजिएगा, क्रॉस का ये आइकन आ रहा है, इसी में मिलेगी, क्योंकि इस पर बहुत सारी एप्लीकेशन बनी हुई हैं जो फेक हैं, ठीक है ना, स्कैम भी हैं, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड करें और अपने बच्चों को किसी पर्सनल चीज़ से क्या कहते हैं दूर रख सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए कोई भी एप्लीकेशन आप पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से, उसका कमेंट में जिक्र करें, मैं इंशाल्लाह उस हवाले से एप्लीकेशन